हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया कप 2022 के 10वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये मुकाबला 7 सितंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7:30 से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों ही मुकाबले पाकिस्तान की टीम जीती है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान, कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, खुर्दिल शाह, इख्तियार अहमद, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह। पाकिस्तान की टीम देखने में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है और अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। तो हमें अफगानिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे असदुल्ला जुजई, रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान, कप्तान मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला जादरान, करीम जन्नत, समीउल सेनवारी, राशिद खान, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले हार कर आ रही हैं। दोनों ही टीमों की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। हल्का सा पलड़ा यहाँ पर पाकिस्तान का भारी नज़र आ रहा है। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफ़ी कमजोर साबित हुई हैं। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। यहाँ की पिच आमतौर पर बॉलिंग फ्रेंडली रहती है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए हैं। यहाँ की पिच काफ़ी सपोर्ट कर रही है बैटिंग को। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 139 रन है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 131 रन है। यहाँ का हाइएस्ट टोटल 211 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 55 है। यहाँ का हाइएस्ट चेज अभी तक 184 है, वहीं लोएस्ट डिपेंड की बात की जाए तो 135 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा जीतती है। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ जिस मैच की वीडियो नहीं आ पाती उनकी अपडेट भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेज आते हैं तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।